हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक और डेरिवेशन एक गामा रे माइक्रोस्कोप से, है ना। बेसिकली ये एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट था जिससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव करा गया है, डेराइव करा गया है। तो पूरा डेरिवेशन आपको बताएंगे इसी वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो देखो, अगर हम बात करें ना, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है गामा रे माइक्रोस्कोप का, तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स यूज होंगे, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, कुछ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स भी यूज होंगे, लेकिन ये 100% नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल, एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट है जिससे ये चीज प्रूफ करी गई। क्या चीज प्रूफ करी गई है, दैट इज डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन एच। सर, ये डेल एक्स और डेल पी क्या? अरे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भाई। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, उसके बाद ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, एटॉमिक लेवल का पार्टिकल, अगर लाइट के लगभग लगभग स्पीड से भागता है तो एक वेव पैकेट बना देता है जिसमें हम पोजिशन को और मोमेंटम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, अब इधर देखो, अब यहाँ पर बेसिकली देखो करा क्या गया है। करा ये गया है कि ये हमारे पास एक लेंस है और ये हमारा माइक्रोस्कोप है ना। माइक्रोस्कोप है, ऐसे करके लेंस हो गया और ये ऊपर माइक्रोस्कोप हो गया सिलेंडर टाइप का। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। उसके बाद ये एक ओ पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है। देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके सर्कल शेप में एक लेंस है और ऊपर से ऐसे करके माइक्रोस्कोप है सिलेंडर की शेप में। ये इलेक्ट्रॉन है ओ पॉइंट पर। अब हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हम इसकी पोजिशन को देखेंगे, है ना, और क्या देखेंगे, इसके मोमेंटम को। सबसे पहले हमने इसकी पोजिशन देखी। अच्छा, पोजिशन कैसे पता चलेगी कि कितनी एरर है पोजीशन में, वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी इससे, समझना ध्यान से। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 साइन अल्फा। ये ऑप्टिक्स से आपको समझ में आ जाएगा। इसके मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा इस फॉर्मूले की, लेकिन आप ऑप्टिक्स में जाके देखिए। ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, वहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी। बेसिकली डेल एक्स मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख पे रखी है जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच कैन बी रिजॉल्व बाय माइक्रोस्कोप। वो सबसे छोटे दो पॉइंट, सबसे पास के दो पॉइंट जो माइक्रोस्कोप उनको अलग कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, उनके ही बीच में पार्टिकल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन्हीं के ही डिफरेंस को हम डेल एक्स कह रहे हैं। बेसिकली यही डेल एक्स रिप्रेजेंट करेगा अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? डेल एक्स समझ में आया। अब डेल पी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेल एक्स निकालेंगे, डेल पी निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, शायद हाइजेनबर्ग प्रूफ हो जाए इससे। अब कैसे करेंगे वो समझो। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि पोजीशन निकालनी हो तो ठीक है। अच्छा, मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? हम करेंगे ये कि हमने एक गामा रे फेंक के मारा, मतलब गामा रे का एक फोटोन फेंक के मारा। जब गामा रे का फोटोन फेंक के मारोगे तो ऑब्वियसली बात है गामा रे की वेवलेंथ कम है, और जब इलेक्ट्रॉन बिगड़ेगा तो क्या क्वांटम शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्वांटम शिफ्ट से होगा क्या कि वो जो फोटोन आएगा उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये रिकॉइल हो जाएगा, जिसको क्वांटम रिकॉइल कहते हैं, क्वांटम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। और उसकी मदद से जो ये हमारा गामा फोटोन है, ये जो गामा फोटोन है, जब ये स्कैटर्ड होके हमारे माइक्रोस्कोप में जाएगा, हमारी आंखों में आएगा, ये जो फोटोन होगा गामा फोटोन जब माइक्रोस्कोप में आएगा, इसके मोमेंटम का चेंज जो स्कैटर होने के बाद आया है, शायद हम इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज आएगा मोमेंटम का वो पता लगा पाए। अरे समझो यार, तुम समझ नहीं रहे। इधर देख, ये इलेक्ट्रॉन है, हमने एक गामा रे का फोटोन फेंक के मारा, हमें उसको शुरुआत में मोमेंटम उसका पता है, हमने मोमेंटम मतलब एक फोटोन फेंक के मारा, फोटोन जो होगा, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकराने से इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो गया, क्वांटम शिफ्ट जिसे कहते हैं, और जब वो स्कैटर होगा, वो स्कैटर हो गया हमारी आंखों में आया, मतलब माइक्रोस्कोप में आया, जो उसको रीड करेगा स्कैटर्ड फोटोन को। इलेक्ट्रॉन तो चला गया कहीं पर, लेकिन जो स्कैटर्ड फोटोन है वो हमारे माइक्रोस्कोप में आ रहा है। देखो, ओ ए और बी की तरफ जा रहा है, सही है। अब उस स्कैटर्ड फोटोन का अगर मैं मोमेंटम निकाल लूं, जो भी मोमेंटम में चेंज आएगा वही तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने मोमेंटम में चेंज करा होगा, मतलब डेल पी अगर मैं स्कैटर्ड फोटोन का निकाल दूं, वही डेल पी इलेक्ट्रॉन का भी तो होगा। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? अरे समझो ना यार, ध्यान से। मान लो मैंने 10 पी का मान लो मोमेंटम फेंक के मारा था, अब 10 पी का मोमेंटम फेंक के मारा, मुझे चार मिला तो 6 कहाँ गया? 6 शायद मोमेंटम लेके गया होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेकर गया होगा मोमेंटम को। तो कुछ यही चीज यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब समझो आगे। अब कैसे निकालेंगे डेल पी वो समझो। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो फोटोन ए पे जा सकता है, बी पे जा सकता है, और तो कहीं जा नहीं सकता,
नहीं, और यहाँ पर बीच में जा सकता है, बट ए पर और बी पर ये मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम मोमेंटम में चेंज आएगा ये ए और बी है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो मान ले यहाँ पर शुरुआत में समझना, मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन, इनिशियल मोमेंटम फोटोन मतलब बिफोर स्कैटरिंग, बिफोर स्कैटरिंग। तो भाई जरा इनिशियल मोमेंटम बता सकते कितना होगा? दैट इज एच अपॉन में लैम्डा डैश, लेट्स से लैम्डा डैश इज द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन बिफोर स्कैटरिंग, बिफोर स्कैटरिंग। जरा बताओ यहां तक क्लियर हुआ? अब समझ, ध्यान से, ध्यान समझो, तू ध्यान से ना, ध्यान समझ। देख यहां पर अगर मान ले एच अपॉन में लैम्डा डैश था, देख यहां पर तो आया भाई मेरे एच अपॉन में लैम्डा डैश, दैट इज पी, है ना। यहां से एक मोमेंटम आया, ये हमारा पी डैश है, शुरुआत का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। अब ये स्कैटर ए पे हो सकता है, बी पे हो सकता है। अच्छा, अगर ए पे होगा तो मान लो इस मोमेंटम से गया, स्कैटर हुआ पी, है ना। यहां पर भाई मेरे लेमडा, मैं आपको बता दूं, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। यहां पर भी लेमडा ही आ रहा है, क्योंकि अगर आपको उसको देखना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी है तो उस पर लाइट तो फेंक के मारोगे, जब भी तो आप उसको देख पाओगे। अरे यार, किसी चीज को हम कब देख पाते हैं? जब लाइट उससे टकरा के हमारी आंखों में जाए, हमारी बटेर में जाए। तो मैं गामा फेंक के मारूंगा, गामा फेंक के उससे टकरा के अगर हमारी आंखों में गया, माइक्रोस्कोप के फॉर्म में गया, तभी तो उसकी पोजीशन देख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी लैम्डा आ रहा है और यहाँ पर भी लैम्डा है। तो देख ध्यान से, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। तो भाई मेरा ये हो गया तेरा एच अपॉन में, इसको सही से लिख देते हैं, दैट इज एच अपॉन में लैम्डा पी। जरा बताओ क्लियर है भाई? ये हो गया हमारा फाई और ये हो गया हमारा फाई, अच्छा स्पाई कह रहा हूँ, सॉरी अल्फा। ये सर अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अरे अल्फा ये एंगल है, देखो ना ऐसे करके, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके ऊपर सर्कल बनना है हमारा माइक्रोस्कोप का, तो एक इधर एक इधर, तो एक कोण बन रही होगी ना। तो अल्फा हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है ना, सेमी वर्टिकल क्या है भाई मेरे, एंगल। अच्छा अगर ये अल्फा है तो इस मोमेंटम के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक आएगा इस तरफ, दैट इज एच अपॉन में लैम्डा साइन अल्फा, और एक आएगा इस तरफ एच अपॉन में लैम्डा कॉस अल्फा। जरा बताओ क्लियर है? क्लियर है? सेम इसका होगा, ये भी तो एच अपॉन में लैम्डा होगा, लेट से। तो इसके भी दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक होगा सेम ये एच अपॉन में लैम्डा कॉस अल्फा, और एक भाई मेरा आएगा इस तरफ, दैट इज एच अपॉन में लैम्डा साइन अल्फा। जरा डायग्राम देखना ध्यान से, ध्यान से देख लेना डायग्राम, बिल्कुल आराम से जूम करके, बिल्कुल आराम से देखो। क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर। अच्छा तो अब जरा दिमाग लगा के बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं दैट इज चेंज इन मोमेंटम, अच्छा हम एक्स एक्सिस की ही बात करेंगे, तो याद रखिएगा हम सिर्फ एक्स एक्सिस की ही बात कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस का मोमेंटम चेंज देखेंगे बस, क्योंकि पहले पार्टिकल एक्स में आ रहा था, तो जब वो स्कैटर्ड हुआ, अच्छा अगर वो ए पे गया फॉर ए, तो चेंज इन मोमेंटम अगर वो ए पे जा रहा है ए पर, तो जरा बता सकते हो कितना चेंज आया होगा? जरा बताना, पी एक्स ए के लिए, है ना, पी एक्स ए के लिए, समझना ध्यान से। नेट मोमेंटम चेंज मत लिखो, ऐसे बोलो नेट मोमेंटम, नेट मोमेंटम स्कैटर्ड फोटोन का अगर वो ए की तरफ जा रहा है तो एक्स एक्सिस में नेट मोमेंटम उसका कितना होगा? ध्यान से मैं, नेट मोमेंटम एक्स एक्सिस पे कितना होगा अगर वो ए की तरफ जा रहा है, ए की तरफ। अगर आप भाई देखो ध्यान से, इस ए की तरफ अगर जा रहा है तो ये हो गया एच बाय लैम्डा साइन फाइव अल्फा, और एक पहले था एच बाय लैम्डा डैश, देखो ना ध्यान से, ये भी तो एच बाय लैम्डा डैश इधर ही है, पी डैश, ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे? तो भैया ऐड होंगे तो कितना आएगा? दैट इज एच अपॉन में लैम्डा डैश प्लस एच अपॉन में लैम्डा साइन अल्फा। यार देख ध्यान से, तेरी दूसरी क्वेश्चन हो गई, समझो ध्यान से समझो बिल्कुल। अगर एक ही तरफ जा रहा है तो एक उसका कॉम्पोनेंट इधर आ रहा है एक्स एक्सिस में, और वो पहले था ही, दोनों देखो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसलिए ऐड कर दिया। अच्छा अगर बी में जा रहा होता तो, दैट इज पी एक्स बी, जरा बताना कितना आएगा? अच्छा बी के लिए अगर आप ध्यान से देखें, एक कॉम्पोनेंट पीछे की तरफ आ रहा है और एक इनिशियल तो आगे था, तो ये दोनों माइनस होंगे ना, ऐसे करके आ रहे हैं तो माइनस होंगे। तो भाई मेरे हो जाएगा तेरा एच अपॉन में लेमडा डैश माइनस एच अपॉन में लेमडा साइन अल्फा, ये हो गई तेरी चौथी इक्वेशन। तो जरा बता सकते हैं भैया है मेरे, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मतलब कि डेल पी, इसके इक्वल होगा दैट इज पी एक्स
इसको इससे माइनस कर दो, किससे माइनस कर दो, ये हो जाएगा भाई मेरे एच अपॉन में लैम्डा डैश प्लस का एच अपॉन में लैम्डा साइन अल्फा माइनस एच अपॉन में लैम्डा डैश प्लस एच अपॉन में लैम्डा साइन अल्फा। भाई ये मर गया, क्या बचा जरा बताइए भैया, डेल पी क्या आया, डेल पी निकल कर आया तेरा दैट इज टू एच अपॉन में लैम्डा साइन अल्फा। जरा देखो ये हो गई आपकी फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ कैसे हो गई, फर्स्ट सेकेंड, अच्छा दिस इज थर्ड इक्वेशन और ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। जरा बताओ क्लियर है, क्लियर है, डेल पी भैया निकल कर आ गया टू एच अपॉन में लैम्डा साइन अल्फा और डेल एक्स तुम्हारा ये है। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं डेल एक्स और डेल पी की, तो जरा बताना क्या आएगा, डेल एक्स है मेरा लैम्डा अपॉन में टू साइन अल्फा और डेल एक्स है मेरा, डेल पी है मेरा टू एच अपॉन में लैम्डा साइन अल्फा। देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, टू से टू कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो भाई मेरे डेल एक्स और डेल पी निकल कर आया है कितना एच, और यही हमारा स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग एक्सेलरेटेड प्रिंसिपल का। ठीक है, ये बोर ने सबसे पहले थियोरेटिकली बताया था लेकिन हाइजेनबर्ग ने प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व भी करा था एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, देखो ध्यान से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हट जाता हूं मैं। ठीक, तो भाई ये एक छोटा सा टॉपिक था हाइजेनबर्ग गामा रे का, गामा रे माइक्रोस्कोप का, और ये एक छोटा सा डेरिवेशन, उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो, ये टॉपिक भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।